परिणाम। अगर हम अपने भोजन में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वो सबको स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। नशे छोड़ने पड़ेंगे। नशा नशा ही होता है, वो चाहे शराब का हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे चाय का हो। अगर आप कहेंगे कि चाय तो नशा नहीं है, उसकी एक पहचान है, जो सात्विक भोजन होता है वो जो भी हम लेते हैं, अगर उसका कोई और विकल्प मिल जाए तो काम चल जाता है, और अगर ना भी मिले तो भी कोई विशेष परेशानी नहीं आती है। मान लीजिए हम रोज सुबह एक नारियल पानी पीते हैं खाली पेट, कहीं ऐसी जगह चले जाते हैं वहां जे मिलता नहीं, तो वो कहते हैं क्या आप मौसमी का जूस ले लेंगे, क्या आप घिया लौकी का जूस ले लेंगे। हम कह देंगे कोई बात नहीं, जो भी है ले लेंगे। और अगर किसी दिन ना ही मिले तो भी काम चलेगा, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि अभी चाहिए। चाय वाले को पूछिए कि चाय की जगह मौसमी का जूस ले लीजिए, वो तो और बढ़िया है, और हम सब जानते हैं कि चाय से मौसमी का जूस सेहत के लिए अच्छा है। इसके बावजूद सामने वाला कहेगा कि मौसमी जूस मत पिलाइए मेरे को, चाय चाहिए। और अगर उसको कह दीजिए चलो आज मौसमी जूस भी नहीं, चाय भी नहीं, नहीं चाय जरूर चाहिए और अभी चाहिए, वरना सिर दर्द होगा। इसका मतलब एडिक्शन हो गई, इसका मतलब चाय का हमें नशा हो गया। नशा अगर नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपके घुटनों के दर्द ठीक नहीं कर सकता, और जिनके घुटनों के दर्द नहीं हैं उनके आगे आने वाले समय में ग्रीस खत्म होगी, इसका भी कोई समाधान नहीं कर सकता। मेरे गुरुदेव जी ने इस आंदोलन को इसीलिए निःशुल्क रखा कि अगर हम इसको प्रोफेशन बना लेंगे, अगर हम इसको अपना पेशा बना लेंगे, तो क्या होगा, हम सिद्धांतों के साथ समझौता करेंगे। हम कहेंगे कोई बात नहीं, एक आध कप पी लिया करो। एक आध कप भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग करते हैं। आजकल जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मालूम है कुछ सही उत्तर देने की प्लस मार्किंग मिलती है और कुछ जगह गलत उत्तर देने की नेगेटिव मार्किंग मिलती है। मतलब जो सही उत्तर और प्रश्न का दिया है वो भी कैंसिल हो जाता है। ठीक ऐसे ही नशे शरीर के अंदर नेगेटिव मार्किंग करते हैं। आप जो भी अच्छा अच्छा खाओगे उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमें ग्राहक नहीं चाहिए। आप बहुत सारे मेरी बात को मानो और लाभ ना हो, हमें आपकी अधिक संख्या भी नहीं चाहिए। हमें तो एक व्यक्ति चाहिए, और ऐसा चाहिए जो बात को मानने वाला हो। आप चाय छोड़ने के लिए तैयार हो, आप किसी भी किस्म का नशा छोड़ने के लिए तैयार हो, आप नॉन वेज मीट अंडा मांस छोड़ने के लिए तैयार हो, तो माँ प्रकृति आपका स्वागत कर रही है। आपकी प्राण शक्ति, आपके अंदर वाले वैद्यनाथ आपका इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी आओ, मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। नशे छोड़ने पड़ेंगे। अगर हम घोड़े की सवारी करते हैं और घोड़ा चलते चलते थक जाता है, हम उसके चाबुक मारते हैं, घोड़ा दौड़ लेता है, क्या घोड़े में शक्ति आ रही है चाबुक खाने से? नहीं, उसका नर्वस सिस्टम कमजोर हो रहा है। हम अपने कार्यालय में घर में बैठे बैठे थक जाते हैं। एक कप चाय, चाय पीते ही
शक्ति सी आ जाती है, ताकत सी आ जाती है, वो हम अपने नर्वस सिस्टम को चाबुक मार रहे हैं। हम अखबार में खबर पढ़ते हैं, उसने उसको जहर मिला के खिला दिया। जहर दुश्मन ही खिलाता है, मगर शराब पीने वाले, शराब के अंदर कुछ आइस बर्फ वगैरह मिलाएंगे, जूस मिलाएंगे, ठंडा पानी मिलाएंगे, किसी ना किसी तरीके से उस जहर को अंदर लेके जाएंगे। चाय पीने वाले, पता है चाय तो कड़वी होती है, जहर है, उसके अंदर चीनी मिलाएंगे, दूध मिलाएंगे, किसी ना किसी तरीके से उस जहर को अंदर लेके जाएंगे। किसको धोखा देते हैं? अपने आप को। आत्महत्या करने के बराबर है। हमें कितनी ही भूख लगी हो, अगर एक कप चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक का पी लिया जाए, हमारी भूख शांत हो जाती है। कल्पना कीजिए, जिस पदार्थ ने बिना कुछ खाए हमारी भूख को मार दिया, अंदर और कितना कुछ मारती होगी। एक मंदिर इंसान बनाता है, इंसान के बनाए हुए मंदिर में हम सब जाते हैं, और एक मंदिर भगवान बनाता है। वो भगवान का बनाया हुआ मंदिर कहाँ है, जरा बताइए। हाँ, ये शरीर है। आप सब इस बात से सहमत हैं कि ये चलता फिरता देवालय है और ये चलता फिरता शिवालय है। अगर भगवान के बनाए हुए मंदिर में गंदी चीजें डालेंगे, भगवान के बनाए हुए मंदिर में गंदी चीजें डालेंगे, उसको साफ नहीं रखेंगे, उसको गंदा करेंगे, तो सजा कब मिलेगी? शायद अगले जन्म में मिलेगी। अगर इंसान के बनाए हुए मंदिर को गंदा करेंगे तो सजा मिलेगी अगले जन्म में। अगर भगवान के बनाए हुए मंदिर को गंदा करेंगे तो सजा किस जन्म में मिलेगी? इसी जन्म में मिलेगी। तो उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। तो हम भगवान के बनाए हुए मंदिर को गंदा नहीं करेंगे। भगवान गीता में कहते हैं, मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूँ। तो हम भगवान को नशा नहीं करा सकते। तो नशों के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन संक्षेप में हम आज इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम आज के बाद नॉन वेज, मीट, अंडा, मांस, शराब, तंबाकू, गुटखा, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, इसको नहीं हाथ लगाएंगे, इसको बिल्कुल नहीं पिएंगे। जो आज के बाद नहीं पिएंगे, जरा हाथ खड़ा कीजिए। जो पहले भी नहीं पीते, वो हाथ मत खड़ा करो। बात को समझिए, जिन्होंने जो पहले भी नहीं पीते हैं, उनको हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। जो पहले पीते थे लेकिन आज के बाद नहीं पिएंगे, ऐसा उनको समझ में लगा, वो हाथ खड़ा कीजिए। सुशील गोयल जी इधर आइए जरा, हाथ 1 मिनट। और टेकचंद जी, संजय जी, जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, उनकी धर्म पत्नी भी, मैं उनको एक उपहार देना चाहता हूँ। जो व्यक्ति अच्छे काम करते हैं, उनको कुछ तो गिफ्ट मिलना चाहिए, और वो गिफ्ट मैं अपने घर से भी नहीं लेके आया हूँ, अपने साथ भी नहीं लेके आया हूँ, आपसे लेके इनको देना चाहता हूँ। तो आप सबने आज इनको एक उपहार देना है। अब दोबारा हाथ खड़ा कीजिए जो आज के बाद छोड़ेंगे।
ये सारे हाथ गिन लीजिए आप, और एक व्यक्ति अगर नशा छोड़ दे, नॉन वेज मीट अंडा मांस छोड़ दे, एक व्यक्ति वो एक मंदिर का निर्माण करने के बराबर है। ये कितने मंदिरों का आज निर्माण हुआ है आपके इस प्रयास से, जिन मंदिरों को आप गिनने में भी असमर्थ हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम करा के आप इस तरह के पुण्य के भागी हो सकते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सबको भी जिन्होंने हाथ खड़े करे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पांच तरह के गलत पदार्थ हैं, दो के लिए मैंने हाथ खड़े कराए, तीन के लिए अभी हाथ खड़े नहीं कराऊंगा। मैं आपको किसी ऐसे झंझट में, ऐसी मुश्किल में नहीं बांधना चाहता जो आपका जीवन ही कुछ मुश्किल में पड़ जाए। हम सब साधु संत नहीं हैं, हम सब गृहस्थी हैं, परिवारों में रहते हैं, लेकिन ये जो दो चीजें हैं इनके लिए तो हमें संकल्प करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे, जो अच्छा अच्छा करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, ये सारा नेगेटिव में चला जाएगा। लाभ तो होगा मगर रोग नहीं जाएगा, दवाई बंद नहीं होगी, चमत्कारिक लाभ नहीं आएगा। इसलिए ये दो चीजों के ऊपर मेरी मजबूरी है, मेरे को थोड़ा सख्त होना पड़ता है। आगे तीन चीजों के लिए मैं उतना सख्त नहीं हूं। तीसरी चीज है सफेद चीनी, ये हमारी हड्डियों को और दांतों को नुकसान करती है। इसका विकल्प है बिना मसाले का गुड़। और चौथी चीज है वनस्पति रिफाइंड घी तेल, इसका विकल्प है सरसों, मूंगफली या तिल का निकलवाया हुआ अपना तेल, या देसी गाय का घी अगर मिल जाए शुद्ध तो। और अगर सबसे बढ़िया अगर मेरे से आप पूछना चाहते हैं तो है कच्चे नारियल की गिरी। ये कच्चे नारियल की गिरी जो हमारे भारत में हर पूजा पद्धति में इस्तेमाल होती है, शगन के लिए वो नारियल हम प्रयोग करते हैं, ये अगर हर रसोई में हो तो उस परिवार के सदस्य को कभी भी किसी विटामिन की कमी नहीं हो सकती, दूध की कमी नहीं हो सकती, घी की कमी नहीं हो सकती, तेल की कमी नहीं हो सकती, और इसकी कीमत आधा किलो दूध के बराबर है। परिवार के चार पांच सदस्यों को सब तरह की पूर्ति कर देगी। जो आप परिवार में दो चार किलो दूध मंगवाते हो वो काम एक नारियल कर देगा, इसमें कोई मिलावट नहीं। आज के जमाने में भी ये पूर्णतः शुद्ध है। हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, मगर हम लेने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। ये लीजिए, इसको कच्चे सलाद के साथ कैसे स्वादिष्ट बना के खाना है विधि बताई जा चुकी है। इसको सब्जी में बिना किसी छौंक के, बिना किसी तेल को गर्म किए, बिना किसी घी को, घी और तेल को गर्म करने के बाद आग पे, उसके अंदर जो भी अच्छी चीजें हैं वो सारी जल जाती हैं। जो चीजें अंदर जाके कोलेस्ट्रॉल बनाएंगी, गांठ बनाएंगी, हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज बनाएंगी, वो चीजें उनमें बच जाती हैं, और वही सब्जी हम रोज खाते हैं इस भ्रम के साथ कि ये सब्जी है। किसी कोई व्यक्ति साधुओं वाले कपड़े पहन ले तो वो साधु नहीं हो जाता। किसी पदार्थ का नाम उसमें घी तेल डाल के छौंक लगा के उसका नाम सब्जी रख दिया जाए वो सब्जी नहीं हो जाती। इसको डालिए सब्जी में, सब्जी में इसका प्रयोग कैसे करना है विधि बताई जा चुकी है। किसी ने सब्जी को खाया हो बना के तो बताओ, आपने खाया एक दो,
तीन चार पांच, पांच व्यक्तियों ने इस सब्जी को टेस्ट किया, कैसा लगा बताइए। आप आइए इधर। नमस्कार जी, हमने इस सब्जी को पहले उबाल लिया, घी की सब्जी थी और बिना छीले उसे काटा, पहले पानी में रखा थोड़ी देर, फिर उसे काटा, काट के उसे उबाला, थोड़ा नमक गिरा और फिर दो टमाटर किस कद्दूकस में घिसे और उसमें थोड़ा नारियल डाला और थोड़ा हरा धनिया डाला, एक दो पत्ते पालक के डाले, एक हरी मिर्च डाली और उस सब्जी को ऐसे ही उस सब्जी को निकाल के और उसमें मिक्स करके और तब खाया। स्वाद कैसा था? स्वाद अच्छा था। ठीक, देखिए सब्जी बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनती है, जिन्होंने बनाई है खाई है वही जान सकते हैं। ये राम राम का सत्संग नहीं है जो केवल सुनने से भी लाभ हो जाएगा। हैं, हाँ हाँ, ये प्रैक्टिकल विद्या है। अगर इसको घर जाके करोगे, करके देखोगे और मेरे कहने से एक दफा करिए, बस एक दफा मेरे कहने से पट्टी लगाओ, एक दफा मेरे कहने से सब्जी बनाओ, मेरे कहने मुताबिक रोटी बनाओ, मेरे कहने मुताबिक सलाद खाओ, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो आगे करो, अगर अच्छा ना लगे तो मेरे को आके मिलो, बताओ कि अच्छा नहीं लगा, उसको और अच्छा बनाना मेरा काम। नेचुरल लाइफस्टाइल द्वारा 4 डेज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स बी योर ऑन डॉक्टर का आयोजन किया जाता है, जिसमें आप इस जीवन शैली को अपनाकर अपने अधिकतर रोगों से मुक्त हो सकते हैं और इसका आश्चर्यचकित लाभ केवल 4 दिनों में ही अनुभव कर सकते हैं। इसलिए अपने लिए निकालिए जीवन के केवल 4 दिन। कोर्स की विशेषताएं: आचार्य श्री मोहन गुप्ता जी और नेचुरल लाइफस्टाइल की टीम के साथ रहने का मौका, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए भोजन का रसास्वादन, टोना पट्टी स्पाइनल टब बात सन बात प्राणायाम इत्यादि का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, रिलेशनशिप काउंसलिंग द्वारा तनाव मुक्त एवं प्रसन्न चित्त जीवन। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक हमारी निःशुल्क कक्षा में भाग लें। निःशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री, पेट की पट्टी, DVD, MP3, एनीमा, स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफस्टाइल, H32/22, Sector 3, रोहिणी, नियर विश्राम चौक, दिल्ली 110085। हमारे फोन नंबर हैं 011-2751-0771, 09953722272।